एक नौजवान की शिव कुंड दे विच नहाउंदे हुए मौत हो गई। दरअसल यह नौजवान शिव कुंड दे पानी दे विच डुब गया ते 17 घंटे तक नौजवान नू लभण लई सर्च ऑपरेशन चलाया गया ते 17 घंटे बाद नौजवान की लाश बरामद हुई। दसना बंद है कि नौजवान अपने साथियों के नाल ढेसी पर्बत से आया हुआ सी। नारनौल स्थित ढेसी पर्बत च शिव कुंड च नहाउंदे हुए पिंड कुलताजपुर के इस नौजवान की डुबण कारण मौत हो गई है। बड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 16-17 घंटे बाद मृतक की लाश लभण च गोताखोरां नूं कामयाबी मिली। दसना बंद है कि कल शाम तकरीबन 4 बजे पिंड कुलताजपुर का एक नौजवान हेमंत अपने साथियों के नाल शिव कुंड च नहाउण गया सी। शिव कुंड ते बनी छतरी तो नौजवान ने कुंड दे विच छाल मारी तां काफ़ी देर तक नौजवान बाहर नहीं निकलिया। उसके साथियों ने प्रशासन नूं इसकी सूचना दी। मौके ते जिला प्रशासन के गोताखोर भी पहुंचे, पर रात भर काफ़ी मशक्कत करन दे बाद सवेरे करीबन 8 बजे नौजवान की लाश गोताखोरां नूं मिल गई। पुलिस प्रशासन ने लाश नूं कब्जे च लै के नारनौल दे हस्पताल च पोस्टमार्टम दे लई भिजवा दिता है। उत्थे स्थानक लोगों का कहना है कि सावन दे महीने च इत्थे हजारां श्रद्धालु आउंदे ने, अजिहे च जिला प्रशासन ते कमेटी नूं मिल के व्यवस्था दा उचित प्रबंध करना चाहिदा है तां जो अजिहे हादसे ना होण। फिलहाल इस नौजवान दी शिव कुंड च नहाउंदे होए इस नौजवान दी मौत होई है, जिसनूं 17 घंटे बाद कुंड दे विचों बाहर कढ़िया गया। संदीप नाम है जी, गांव कुलताजपुर है, वो मेरा चचेरा भाई था और वो पर कल 3 बजे के लगभग वो ऊपर नहाने के लिए गया था। तैरना तो आता है उसको, वो गया था, रोजाना जाता है, लेकिन पता नहीं किस हादसे के कारण क्या हुआ ये तो पता ही नहीं। और कल से अभियान चालू था और देख गांव की तरफ से भी बहुत सरपंच साहब ने अच्छी मदद करी है और NDRF की टीम आई थी, उसने निकाला। अब सुबह पूरी रात से सर्च अभियान चल रहा था। तो मृतक का क्या नाम है? उसका हेमंत नाम है। कितने वर्ष की उम्र? लगभग 25 साल। तो उसकी डेड बॉडी मिल गई है? हाँ जी मिल गई, अभी सुबह मिली है, अभी लेके आए हैं अस्पताल। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि कार्रवाई चालू है अभी। शिवकुंड अपने जो कुंड है, हादसा हुआ है, ऐसे हादसे हर साल होते रहते हैं। और इस जगह का जो मंदिर है शिवकुंड, इसका नंद ब्रह्मचारी धर्मा ट्रस्ट संचालन करती है, जो कि हर साल यहाँ पर हादसे होते हैं। पिछले साल डोसे का लड़का मरा था और रोजाना की 3-4 हज़ार, सावन में तो 5-5 हज़ार तक श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रशासन से ट्रस्ट मिलके ये कार्रवाई कराए कि आगे भविष्य में ऐसे हादसे न हो। यह ग्राम पंचायत का इसमें कोई वो नहीं है, अधीन भी नहीं आता है, ये ट्रस्ट के अधीन आता है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी आते हैं चले जाते हैं, ना कोई कहने वाला है कि भाई क्या हो रहा है, कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि ट्रस्ट को इसमें पाबंद किया जाए, कि भाई जो तुम्हारी जिम्मेदारी है ट्रस्ट की वो बेखूबी निभाया जाए। धन्यवाद।